सियासत में शालीनता तो अब खत्म सी हो चुकी है, ना कोई सीमा ना कोई दायरा। अब तक तो विरोधियों के लिए बदजुबानी होती थी, लेकिन बीजेपी में आपस में ही जूतम पेजार हो रहा है, गाली गलौज हो रही है। राजस्थान के हिंडोल से विधायक राजकुमारी जाटव ने करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया को सरेआम जूतों से पिटवाने का ऐलान कर दिया। दलाल और चोर बोला सो अलग, आखिर राजस्थान बीजेपी में क्यों छिड़ा है रण? राजस्थान बीजेपी में गालियों की बौछार, सांसद विधायक में जूतावा। जनता इनाम में कैसे रो रही है? इस सांसद को जनता ने वोट दिया? क्या चोरों की दलाली की बात करता है? ये चोरों का सम्मान करता है? बदजुबानी की नौका पर सवार ये महिला है राजकुमारी जाटव, करौली जिले की हिंडौन सीट से बीजेपी विधायक है, और जिसे ये गालियां सुना रही है, जूता मारने की धमकी दे रही है, वो कोई और नहीं, करौली धौलपुर सीट से बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया है। अब एक बार फिर सुनिए। जनता इनाम में कैसे रो रही है? इस सांसद को जनता ने वोट दिया? क्या चोरों की दलाली की बात करता है? ये चोरों का सम्मान करता है? विवाद के पीछे भ्रष्टाचार के बीच नजर आ रहे हैं, लेकिन विधायक राजकुमारी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल। दलाली की बात करता है, ये चोरों का सम्मान करता है? क्या जनता के हित के नाम पर चेहरा चमका रही है? क्योंकि वो जानती थी कि कितने ही कैमरों की नजर उन पर। सांसद बनने का बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमने उदाहरण दिया जिस तरह से ये अच्छे काम कर रहे हैं और अधिकारी को भी। उसके बाद हमारी माननीय विधायिका महोदय आई, इन्होंने कहे ठीक काम नहीं कर रहा है तो इस बात की और जांच करा लेंगे। कोई ऐसी लंबी बात नहीं थी, इतना तो आपस में कहते हुए। आखिर राजस्थान बीजेपी में क्यों घमासान मचा है? सांसद अगर चुप थे तो विधायक साहिबा को क्यों इतना क्रोध आया? सवाल ये भी कि विधायक साहिब अपने मुद्दों को पार्टी के बीच रख सकती थी, मुख्यमंत्री से शिकायत कर सकती थी, जिला प्रभारी को लिख सकती थी, फिर खुलेआम आरोपों की बौछार पार्टी के अंदर की तकरार की ओर इशारा कर रही है। क्या राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक है? फिर रिपोर्ट समाचार।